बॉलीवुड में एक के बाद एक धनाधन कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के पॉजिटिव आने के बाद अब बॉलीवुड के दमदार एक्टर अनुपम खेर की मां समेत 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं अनुपम खेर की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। इस बात की जानकारी खुद अनुपम खेर ने ट्वीट पर एक वीडियो शेयर करके दी है। आपको बता दें, इस वीडियो को शेयर करते हुए अनुपम खेर ने बताया कि कुछ दिनों से उनकी मां दुलारी की तबीयत खराब थी, उन्हें भूख नहीं लग रही थी और वो सोती रहती थी। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने अपनी मां का ब्लड टेस्ट करवाया जिसमें सब ठीक निकला। बाद में सीटी स्कैन करवाया और फिर माइल्ड कोविड-19 पॉजिटिव की पुष्टि हुई। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार अनुपम खेर और उनके भाई राजू ने भी कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं उनके भाई की रिपोर्ट माइल्ड पाई गई। साथ ही अनुपम की भाभी यानी राजू की पत्नी और भतीजी वृंदा माइल्ड कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि भतीजा नेगेटिव निकला है। अनुपम ने बताया कि उनकी मां को कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट किया गया है। इस बारे में बीएमसी को भी सूचना दे दी गई है और अब उनके घर को सैनिटाइज किया जाएगा। अनुपम ने लोगों से ये भी अपील की है कि वो अपने माता पिता का ख्याल रखें। उन्होंने डॉक्टर्स की भी तारीफ की है जो दिन रात लोगों के लिए काम कर रहे हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.